यार दोस्तों, तभी हम आ चुके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि भोपाल का ही रेलवे स्टेशन है, जहाँ से आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक साथ 5 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। उसी में से एक हमारी है भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस। आइए तो अंदर चलते और आपको दिखाते हैं ट्रेन की यात्रा। अभी हम आ चुके हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के अंदर, तो कुछ ऐसा नज़ारा आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ माहौल है। मैं आपको बोर्ड दिखा रहा था, आप ऊपर पढ़ सकते हैं 5 वंदे भारत कौन कौन सी है बोर्ड पर। ऐसा नज़ारा है हमारी इंदौर की वंदे भारत ट्रेन का। हम आपको केबिन का थोड़ा सा नज़ारा दिखा रहे हैं। नज़ारा केबिन का बाहर से आप देख लीजिए, ये हमारी वंदे भारत। वंदे भारत का इंटीरियर कुछ ऐसा है, देख लो। वहीं मैक्सिमम इस ट्रेन की स्पीड की बात की जाए तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार रहने वाली है। गंगा सिंह गिर दे रखी लगता है, सीधे ठीक कुछ है। अब मोदी और इसकी सहायता से आप लोग किसी भी आपात स्थिति में लोको पायलट केबिन में बैठे हुए गार्ड से आप बात कर सकते हैं। कुछ ऐसा नज़ारा है ये चेयर कार का, देख सकते हैं 3x2 का कॉम्बिनेशन है यहाँ। रीडिंग हेडलाइट वगैरह भी है, आपको अगर यूज करना सिर्फ उसको हल्का सा टेप करना रहेगा। कुशिंग वगैरह सीट वगैरह सब देख सकते हैं। ट्रेन में यात्रियों के लगेज रखने के लिए प्रॉपर व्यवस्था है, आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ ये कुछ इस तरह से। तो ये आप देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव कोच का नज़ारा। इसमें जो सीट आप देख रहे हैं इसको हम पूरा, आप अगर यात्रा कर रहे हैं तो इसको पूरा 360 डिग्री घुमा भी सकते हैं। मैं आपको घुमा के बतलाता हूँ कैसे इसको घुमा सकते हैं आप। तो ये देखिए, आप इसको पूरा 360 डिग्री घुमा सकते हैं। अगर मान लो आपके साथ कोई फैमिली वगैरह साथ में ट्रेवल कर रही है तो आप उनकी तरफ फेस टर्न करके भी बैठ सकते हैं, या जिस दिशा में ट्रेन जा रही है फ्रंट फेस करके भी आप बैठ सकते हैं ट्रेन की दिशा में। आपको वॉशरूम का नज़ारा दिखा देते हैं वंदे भारत ट्रेन के। साफ सुथरा
सुथरा वॉशरूम। तो आप ये सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं पांचों वंदे भारत, जो कि जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कुछ हरी झंडी दिखाने वाले। आज से पहले ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा कि पांच वंदे भारत को एक साथ हरी झंडी दिखाई जा रही है। आप ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई है। अब कुछ ही समय में देख सकते हैं आप स्क्रीन पे गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस, उसके बाद रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस निकल चुकी है अपने पहले सफर पे। वो साथ ही धारवाड़ बेंगलोर का भी आप डिपार्चर देख सकते हैं। साथ ही धारवाड़ बेंगलोर भी निकल चुकी है, वो भी निकल चुकी है। देख सकते भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर दोनों वंदे भारत में हरी झंडी अब दिखा दी गई है। हम भी अब निकल चुके भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से, और यहाँ जो स्कूल के बच्चे आप देख रहे हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस वीडियो में बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है इस वंदे भारत की उद्घाटन समारोह में। काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे आए हुए थे, उनमें से कुछ को ट्रेन में यात्रा भी करवाई जा रही है। लगभग 300 बच्चे होंगे जिनको आज इस ट्रेन में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सीहोर रेलवे स्टेशन तक यात्रा कराई गई। और साथ ही आप मोदी जी दिखे आ गए और यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर। और ये हमारी आप सामने देख सकते भोपाल जबलपुर वंदे भारत, उसका भी डिपार्चर हो चुका है। आपको थोड़ा नज़दीक जाकर दिखाते हैं। वहीं इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें एग्जीक्यूटिव क्लास का एक कोच और बाकी सात कोच चेयर कार के लगाए गए। इस ट्रेन के किराए की बात की जाए तो जो चेयर कार का किराया भोपाल के बीच 810 रुपये रहने वाला है, और जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उसका प्रति व्यक्ति किराया इंदौर से भोपाल के बीच 1510 रुपये रहने वाला है। वहीं वापसी के किराए की बात की जाए तो इस ट्रेन का जो भोपाल से इंदौर का किराया वो 910 रुपये चेयर कार का, और एग्जीक्यूटिव क्लास का जो किराया है वो 1600 रुपये प्रति व्यक्ति। इस ट्रेन के अगर हम टाइम टेबल के बारे में बात करें तो यह हर रोज सुबह 6:30 पे इंदौर से चलेगी और भोपाल जो है सुबह ही 9:35 पर पहुंच जाएगी। वो वापसी में अगर इस ट्रेन के हम बात करें इसके समय की,
तो यह ट्रेन भोपाल से रोज शाम को 7:25 पर निकलेगी और उसी दिन रात में इंदौर पहुँच जाएगी 10:31। तो ट्रेन अपनी निकलती हुई वहीं इस ट्रेन के अगर हम बाकी स्टॉप और बाकी जो भी बीच रहने वाला जो स्टेशन है वहाँ से अगर किराए की बात की जाए तो मैं उन सब की जानकारी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन सब जानकारी को पढ़ सकते हैं। उस समय समय पर ट्रेन के होने वाले बदलाव को आप रेलवे की वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो अगला स्टॉप आने वाला है वो है भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन। कुछ ही समय में हम भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। बहुत बड़ी क्लिप बन के एडिट करना पड़ेगा। अरे पूरी डाल दूंगा मैं तो, जितनी लंबी होता बढ़िया। अब ये देख सकते हैं हमारी ट्रेन भोपाल रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है। जब ये ट्रेन अपने रेगुलर रन में कल से शुरू होगी तो इस ये सिर्फ इंदौर से भोपाल के बीच में ही चला करेगी। यहाँ से लंगर चढ़ाएंगे। पहुंच चुके हैं भोपाल। आ गए MTS में। आप देख सकते हैं अभी हम पहुंच चुके हैं भोपाल रेलवे स्टेशन पे। अब कुछ समय यहाँ रुकने के बाद हमारी ट्रेन कुछ ही देर में रवाना हो की जाएगी। हम भोपाल रेलवे स्टेशन में निकल चुके हैं। सही बोलता है ना उसको। चुप्पे बोला। लगभग 2 के होल्ड के बाद हम भोपाल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पहुंच गए थे। कितना ही बोल लो, घंटा मालूम पड़ रहा है किसी को कितना। तो हमारी भोपाल इंदौर वंदे भारत भोपाल जंक्शन की प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। सो फाइनली लगभग 5 के होल्ड लेने के बाद हमारी वंदे भारत ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्ट हो चुकी है भोपाल जंक्शन पे। इस वजह से चारों तरफ स्टेशन की हरियाली भी देखने को मिल रही है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि बैग और भोपाल दे
देख सकते हैं भोपाल रेलवे स्टेशन के बाद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं ये क्रैनबेरी वो क्या बोलते हैं क्रैनबेरी जूस सब हमें सर्व किया गया। अब आगे और देखते हैं और क्या क्या मिलता है ट्रेन की इस खूबसूरत यात्रा में। ये तो ये अब हमें पानी की बोतल दी गई है। फंदा ये हम फंदा स्किप कर रहे हैं और साथ ही हमें यहाँ पे स्नैक सर्व कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं हमारे साथ है हमारे वरुण भैया जो हमें इसका रिव्यू देंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हमें कुछ दिया गया है, ये पुदीना का मिक्सचर दिया गया है, मुरमुरा बोल सकते हो इसको, खार मंजन में ज़्यादा इस्तेमाल किया। ये कचौरी है, इसमें टमाटो सॉस दिया गया और आप बाकी सब देख ही सकते हैं। ड्राई फ्रूट में काजू भी दिए उन्होंने। आप ये देख सकते हैं हम अभी पहुंच सके सीहोर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ ट्रेन का कोई भी रेगुलर या कमर्शियल जो भी बोलना चाहे कोई स्टॉप नहीं है। आज इनॉगरल रन है तो इस ट्रेन के स्वागत वगैरह के लिए यहाँ पे इस ट्रेन का आज स्टॉप दिया गया है। आप पब्लिक में एक्साइटमेंट देख सकते हैं, बिल्कुल 100 लेवल। देखिए यहाँ ट्रेन का बिल्कुल पब्लिक में उत्साह देखिए आप। तो आप देख सकते हैं यहाँ काफी जोरदार हमारा स्वागत किया गया था। अब हम सीहोर रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं।
अभी नजारा इनॉगरल रन में कुछ मतलब जो विदाउट टिकट है जिनके पास पास नहीं है वो भी जर्नी कर रहे हैं। लाजपुरी आप देख सकते हैं मतलब लोगों में के जो उत्साह चरम पर देख सकते हैं ट्रेन के लिए। अरे ये पीछे आपको दिखाऊं ये आप देख सकते हैं पूरी ट्रेन में आप बता आप कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा बना है ये इनॉगरल रन है इसलिए हमें ऐसा खाना मिल रहा है क्योंकि अब देखते हैं कि रेगुलर रन में क्या मिलता है। जैसा कि आपने देखा हमारे वरुण भैया ने आपको बताया पहुंच रही है गाड़ी पहुंचने के बाद में खड़ी होने के बाद ही दरवाजे गाड़ी की दिशा के बाएं साइड में लॉक किए जाएंगे। देख सकते हैं आप ट्रेन में हमारे आदिवासी लोग भाई लोग औजारों के साथ वेशभूषा के साथ में आप माहौल देख सकते हो पूरा आगे तक आपको दिखाऊं ज़ूम करके आप ये देख सकते हैं बाहर का माहौल देख के हम आपको ज़्यादा नज़ारे बाहर के तो दिखा नहीं पा रहे। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको ट्रेन में भी दिखाया किस तरह का माहौल है तो उस हिसाब से
ट्रेन के अंदर से ही आप देख लीजिए, ये अभी हम सुजालपुर रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं। लोगों में उत्साह हर स्टेशन पे देख सकता हूँ, बिल्कुल चरम पर है। बाय कर दे, बाय 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 कर दो, बाय 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 कर लो, वंदे भारत देख लो। वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। स्किप दे दे, बाकी तो मैं बना ही दिया हूँ। वो अभी वो लेंगे ना अपन ट्रैक चेंज। बड़ा ये जो सामने आप लाइन देख रहे हैं, ये गुना तरफ से आ रही है जो हमें आगे जाके मक्सी जंक्शन पे ज्वाइन करेगी। यहाँ से कौन सी लेने लोग होती है? यहाँ से एक इंदौर के लिए सीधे चले जाती है देवास होते हुए, और एक इधर से जो आती है वो गुना तरफ से आती है। अच्छा, गुना वाली लाइन निकलती है? हाँ, वो वहाँ से। अच्छा, भीड़ कम दिख रही है। और अभी हम पहुंच रहे हैं मक्सी जंक्शन। जल्दी जा।
नंबर दिला तुम्हाला नंबर लायगा थोडा ठीक आहे ना आता मागचे पंटा खाल्ले सक्षी मेती भेट नाही इधर आ गगन आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके मक्सी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। थोड़ा जूम करके बताऊं तो आप आगे देखिए ट्रेन का स्वागत हो रहा है। हो गया हेलो कहा तुम कहा कौन सुन हाँ मेरे को लिख नहीं रहा कहाँ लिख रहे कहाँ तुम हाथ तो पकड़ो आगे पीछे अच्छा हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो अच्छा वहाँ तुम गाड़ी हाँ हाँ वहाँ से आप निकल रही जो रुको आया हूँ अरे वो क्या दस मिनट का समय है वहाँ जा चलो शानदार निकल गए हो रहा होगा नहीं अच्छा अच्छा लेट हो गए तो बता दिया ना मेरी जान देखो रेलवे का लूडो भी मिला हो रहा है नहीं वो दिखाना जरूरी ना इसको पब्लिक अरे घर वाली का तो ये क्या स्टाफ से नहीं हो गया नहीं वो ये ना रेलवे वाले उज्जैन स्टेशन पर पहुंचने वाली है कृपया ट्रेन के रुकने के बाद ही सावधानी से उतरें। आप लोग देखने के लिए आए हो बुलाया गया ये लोग
कल से कोई नहीं दिखेगा भैया, आप उज्जैन से रहेंगे? नमस्कार दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में और आप यहां उत्साह देख सकते हैं। देख सकते हैं लोगों के बीच में सब पूरे अपने चरम सीमा पर है। सीधा हो
हॉल्ट होगा हमारा डेस्टिनेशन इंदौर जंक्शन, जो कि लगभग 45 से 50 मिनट के कॉन्स्टेंट रन के बाद हम इंदौर जंक्शन पर अराइव होंगे। उज्जैन से हम लोग निकलते हैं, काफी ज़्यादा पब्लिक। सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी कि इंदौर में क्या माहौल रहता है इस वंदे भारत के बाद। इंदौर में पागल है जनता में, इंदौर में दो नंबर पर सुना है, दो नंबर पर लेगा, दो नंबर पे का एक नंबर पे लगा कल मैं आ गया था ना। आप देख सकते हैं आप कितनी एक्साइटमेंट है लोगों में वंदे भारत। ये है उज्जैन, जय महाकाल। भारत एक्सप्रेस उसी समय पश्चात हमारे पास तो यहाँ हम दोस्तों शिप्रा रिवर अभी क्रॉस कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। Indian Railways urges all passengers moving from Uchain station. Next station is Indore. ये जो आप अभी लाइन उधर जाती हुई देख रहे हैं, ये नागदा जंक्शन की तरफ जा रही है और अभी हम बढ़ रहे हैं फतेहाबाद रेलवे स्टेशन की तरफ। अब देखते ये हमें उज्जैन स्टेशन से निकलने के बाद हमारा दोपहर का जो लंच है वो सर्व कर दिया गया। तो आपको बताते रिव्यू देखे तो क्या कुछ है इसमें खास। तो इसमें चावल है आप देख सकते हैं, सलाद दिया गया है, गुलाब जामुन है, रोटी, ये गोभी की सब्जी है, अचार दिया और ये दाल है और राइस है। चलिए शुरू करते हैं। Thank you.
फतेहाबाद आई फतेहाबाद डेमो हो रही है दोनों है। अब देखो शायद इसको निकालेगा पहले हाँ डेमो रुक जाएंगे बस यहाँ से निकल ही रहे हैं ये निकलेंगे 10 मिनट बाद ठीक है अभी आप देख सकते हैं हम पहुंचे गए फतेहाबाद रेलवे स्टेशन। यहाँ सिर्फ गाड़ी का 2 मिनट का हॉल्ट है तो आप ये बाहर से बस इतना नज़ारा देख लीजिए। ये चलते हैं अपने सीट पे वहाँ आगे स्वागत हो रहा है आपको दिखाता हूँ जूम करके आप देख सकते हो। सामने आइए रतलाम डॉक्टर अम्बेडकर डेमो ट्रेन देख सकते हैं हमारे इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी जी यात्रियों से मुलाकात करते
जितने भी हमारे
व्यवस्था खुद ही संभाले और एक अच्छा इंदौर हो।